This conference will now be recorded. टुडे जो सेशन है हमारा वो है कुबरनेटिस का. कुबरनेटिस द अदर वर्ड इट्स K8s. तो कुबरनेटिस क्या है? द इट्स अ Kubernetes टूल ऑफ गूगल. सबसे पहले तो ये जो टूल है ये किसका है? गूगल का है. गूगल ने इस टूल को डेवलप करा है. प्रोवाइड मोर एडवांस सर्विसेज. काफी सारी सर्विसेज हैं जो ये एडवांस कराता है. प्रोवाइड मोर एडवांस सर्विस. तीसरा जो ऑप्शन है विद द हेल्प ऑफ कुबरनेट क्रिएट हाई हैवेबिलिटी इंफ्रा. द कुबरनेट Infra is combination of multiple components. Kubernetes Infra use cluster. The Kubernetes cluster is a combination combination of multiple servers. This server is backup with each other. ये सारे के सारे servers एक दूसरे के क्या होते हैं? Backups होते हैं. If any server down within cluster, the cluster create new server automatic. और इस क्लस्टर के अंदर अगर कोई भी सर्वर आपका डाउन होता है तो क्लस्टर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली एक न्यू सर्वर को एग्जीक्यूट कर देगा. तो अगर अब हम बात करते हैं यहां पर कुबरनेटिस क्लस्टर की या कुबरनेटिस कंपोनेंट्स की. कुबरनेटिस कंपोनेंट्स, तो गाइस कुबरनेटिस कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो कुबरनेटिस यूज एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. और वो जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? नाउ गाइस name of the components: API server. पहले नंबर पे API server, controller, manager, then scheduler, scheduler, then XCD cluster, then kubeproxy. ये सारी चीज हमें required है. kubelet,
एंड डॉकर। तो ये हमारे क्लस्टर्स के कंपोनेंट्स हैं। तो दीज कंपोनेंट्स वर्क विद इन क्लस्टर सर्वर्स। ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं कुबरनेट्स के, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स लाइक दीज सेवन कंपोनेंट्स हैं द ऑल के एट्स components work within cluster. Within cluster servers. तो जितने भी components हैं ये आपके कहां पर काम करते हैं, जो आप ये cluster बनाएंगे, जिस cluster की मैं बात कर रहा था, इस क्लस्टर के अंदर जितने भी सर्वर्स हैं, उन सर्वर्स पर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या करते हैं, हमारे काम करते हैं। यानी कि कुबरनेट्स पर अगर आपको काम करना है तो कुबरनेट्स पर काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लस्टर बनाना पड़ेगा और उन क्लस्टर्स पर ये सारी सर्विसेज होंगी, तभी ये वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले आता है कि जो कुबरनेट्स है इट्स अ कॉम्बिनेशन, यानी कि कुबरनेट क्लस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कि मैंने बताया था कि क्लस्टर्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे सर्वर्स होते हैं, यस और नो? सो कुबरनेट क्लस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मास्टर एंड सर्वर नोड। कुबरनेट्स क्लस्टर यूज मास्टर नोड एंड वर्कर नोड। क्लस्टर एक कॉम्बिनेशन है कि जहां पर एक से ज्यादा सर्वर्स लगाए जाते हैं उसको क्लस्टर बोलते हैं, मल्टीपल सर्वर्स को कनेक्ट करते हैं तो क्लस्टर है, बिल्कुल। तो क्लस्टर कुबरनेट क्लस्टर यूज मास्टर नोड एंड वर्कर नोड, यानी कि जब भी आप कोई भी क्लस्टर क्रिएट करेंगे, नाउ व्हेन यू एग्जीक्यूट अ क्लस्टर, आपने कोई भी क्लस्टर क्रिएट करा, तो अगर आपने इसके अंदर 20 सर्वर्स लगाने हैं तो 20 सर्वर्स में से आप कितने सर्वर्स को मास्टर बनाना चाहते हो और कितने सर्वर्स को वर्कर नोड। तो मैं यहाँ पे लेता हूं, नाउ वी हैव क्रिएट अ वन मास्टर एंड टू वर्कर नोड्स। मैंने क्लस्टर बनाया और इस क्लस्टर के अंदर मैंने तीन सर्वर्स लगाए हैं और इन तीन सर्वर को मैंने क्या करा, जब कनेक्ट करा है तो इन तीन सर्वर में से एक को मैंने बनाया मास्टर, मास्टर नोड, और एक आपका है वर्कर, और ये हो गया मेरा वर्कर नोड। बाकी सारे के सारे नोड क्या है, मेरे वर्कर है, यानी कि एक मैनेजर हो गया, एक टीएल हो गया, बाकी उसकी एम्प्लॉयज हो गए, वर्कर एनओडी टू। तो इन अ सिंगल क्लस्टर चॉइस इज योर क्रिएट सिंगल मास्टर, सिंगल वर्कर नोड और मल्टी मास्टर और मल्टी वर्कर नोड। आपकी मर्जी है कि आप क्लस्टर के अंदर एक मास्टर एक नोड बनाना चाहते हो, या एक मास्टर मल्टी नोड बनाना चाहते हो, या मल्टी मास्टर मल्टी नोड बनाना चाहते हो, यानी कि एक से ज्यादा मास्टर भी आप बना सकते हो और एक के साथ मल्टीपल वर्कर्स भी लगा सकते हो। चॉइस इज योर। द ऑल वर्कर नोड मैनेज बाय मास्टर नोड। जितने भी वर्कर नोड है वो सारे के सारे किसके थ्रू हो जाएंगे, मास्टर नोड। इन कुबरनेट्स
इन वर्कर नोड, बट कुबरनेट क्लस्टर्स मैनेज बाय कंट्रोलर नोड। जो कुबरनेट क्लस्टर है उस पर भी आप डायरेक्ट काम नहीं कर सकते, तो कुबरनेट क्लस्टर पे काम करने के लिए आपको कंट्रोलर नोड की नीड पड़ेगी। तो द कुबरनेट बट कुबरनेट क्लस्टर मैनेज बाय कंट्रोलर नोड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर नोड क्रिएट क्लस्टर देन एक्सेस मास्टर नोड देन क्रिएट पॉड इन वर्कर नोड। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर सिंपल सा है कि आपके पास जो ये क्लस्टर है, यानी कि ये जो मैंने यहाँ पर मास्टर नोड बनाया है, इसके बाहर एक और सिस्टम होगा जिसको हम बनाएंगे कंट्रोलर नोड। यानी कि ये जो हमारा नोड है ये हमारा है कंट्रोलर नोड। अब कंट्रोलर नोड की हेल्प से क्या होगा, कंट्रोलर नोड की हेल्प से क्रिएट होगा आपका क्लस्टर। अब क्लस्टर जब क्रिएट हो गया तो अब मुझे कंट्रोलर नोड ने जब क्लस्टर क्रिएट कर दिया तो कंट्रोलर नोड पे ही आप डिसाइड करोगे कि कितने मास्टर बनाने और कितने वर्कर। तो जब हम क्लस्टर बनाएंगे कंट्रोलर नोड पे बैठ के तो वहां पर आएगा नंबर ऑफ मास्टर एक बनाना है, दो बनाने, दस बनाने है, और वर्कर नोड भी आपको कितने बनाने, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर नोड्स पे बैठ के करनी है। जब आप कंट्रोलर नोड्स को कमांड दोगे तब कंट्रोलर नोड क्या बनाएगा, क्लस्टर बनाएगा कि आपने 100 सर्वर्स बोल दिए तो वो 100 सर्वर्स कंट्रोलर नोड से बैठ के बनेंगे। फिर अब आपको अगर इस क्लस्टर पे काम करना है तो यहाँ पर क्या है, कुबरनेट्स के अंदर क्रिएट होते हैं पॉड। कुबरनेट्स के अंदर क्या चीज बनती है, पॉड्स। द पॉड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कंटेनर्स। पॉड्स के अंदर क्या बनते हैं, आपके कंटेनर्स बनते हैं। अभी क्या है कि हम लोगों ने अभी कंटेनर्स बनाए थे डॉकर में, लेकिन अगर मेरा कंटेनर फेल्ड हो जाए तो उसका कोई बैकबोन पड़ा हमने। यहां पर क्या है कि अगर कंटेनर फेल्ड होगा तो रीडिप्लॉय हो जाएगा कंटेनर। डॉकर इंजन फेल हो गया तो डॉकर इंजन फेल तो डॉकर इंजन के कंटेनर भी गए। यहां पर क्या है कि वर्कर नोड पर ही डॉकर इंजन होगा और उसके ऊपर पॉड होगा और पॉड के अंदर कंटेनर्स होगा। यानी कि अगर कंटेनर भी फेल हो रहे हैं वो भी दोबारा से क्या हो जाएंगे, आपके रीडिप्लॉय हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इट्स प्रोवाइड द हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रा। यानी कि यहाँ पर 100% फेलियर है, मेरी सर्विसेज डाउन नहीं होंगी। जिस तरीके से हम क्लाउड पे लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग्स वगैरह यूज करते हैं, इसी तरीके से कुबरनेट क्लस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग और एवरीथिंग। हर चीज का कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर क्या है कि जब ये कॉम्बिनेशन बन गया तो अब अगर आपको पॉड है तो पॉड ऑलवेज कहां पे होते हैं, वर्कर नोड पर आपके पॉड्स बनेंगे, लेकिन वाया मास्टर ही बनेंगे क्योंकि वर्कर नोड को कौन मैनेज कर रहा है, द ऑल वर्कर नोड मैनेज बाय द मास्टर नोड, बट मास्टर नोड को कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोलर नोड। यानी कि अगर आपको मास्टर पे काम करना है तो पहले आपको मास्टर को एक्सेस करना पड़ेगा कंट्रोलर नोड पर। गॉट इट? देन फिर क्या होगा, कंट्रोलर नोड से ही आप क्या बनाएंगे, कंटेनर बनाएंगे। और अगर आपको कंटेनर बनाना है तो नाउ कि आप अब मास्टर नोड के थ्रू यहां पर क्या बनाएंगे, पॉड्स बनाएंगे। तो यहाँ पे कंटेनर नहीं बनते, कुबरनेट्स के अंदर क्रिएट होते हैं पॉड। सो पॉड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कंटेनर। यानी कि मैंने आपको, यानी कि सिंपल सा है कि मैंने एक टास्क दिया कि डिप्लॉय अ वेबसाइट। अब वेबसाइट के अंदर दो चीज होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड, यस और नो। तो अब अगर आपको यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आपको एक वेबसाइट एग्जीक्यूट करनी है, और वेबसाइट एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने आपको बोला है कि
उसका डेटाबेस भी बनाना है। अब आपने क्या करा, अगर वेबसाइट और एसक्यूएल डेटाबेस दोनों अगर एक ही कंटेनर पे रख दिए और कंटेनर क्रैश हो गया तो दोनों चीज गई, तो मैं उसको अलग अलग कंटेनर पे रखूंगा। लेकिन क्या है, वो दोनों के दोनों हैं तो कॉमन ही टास्क, तो मैं क्या करूंगा, नाउ वी हैव क्रिएट अ वन पॉड, मैं यहां पर एक पॉड बनाऊंगा और उस पॉड के अंदर क्या क्रिएट कर दूंगा, दो कंटेनर। और अब एक कंटेनर पर मेरी वेबसाइट यानी कि पीएचपी मैंने डाल दिया, पीएचपी वर्क इन वन कंटेनर, और दूसरे वाले पे मैंने क्या डाल दिया, एसक्यूएल डाल दिया। यानी कि पैरेलल टास्क, मैं एक अपने काम को एक सिंगल कंटेनर पे ना करके मल्टीपल कंटेनर्स में क्या कर रहा हूं, एग्जीक्यूट कर रहा हूं। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, इससे बेनिफिट हो रहा है कि एक तो लोड शेयरिंग हो रही है मेरी, दूसरा कि मेरा पर्टिकुलर टास्क की अगर कोई इश्यू आता है तो मैं इजीली उसको ट्रबल शूट करता कर सकता हूं कि किस कंटेनर से रिलेटेड मेरी प्रॉब्लम्स आ रही है। यानी कि अगर मेरा डेटाबेस के अंदर इश्यू आता है तो मेरी वेबसाइट के अंदर कोई चैलेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर दोनों चीज मैंने एक ही जगह रख दी तो क्या होगा, मेरी तो दोनों चीज ही चली जाएंगे ना एक साथ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो पॉड क्या है कि, बट ये जो पॉड बनाया ना बाउंड्री, ये जो पॉड की बाउंड्री बनाई है, ये सिंगल पॉड दोनों का कॉम्बिनेशन करेगा। यानी कि यहाँ पर पॉड पे तो रिक्वेस्ट आएगी, लेकिन पॉड उस रिक्वेस्ट को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके भेजेगा। यानी कि बैकएंड से एक रिक्वेस्ट आ रही है, फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट आ रही है, बैकएंड में दो बंदे उस रिक्वेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। कि अगर एसक्यूएल से रिलेटेड है तो मैं कहता हूँ आमिर उसको मैनेज करेगा, और लाइक अ वेबसाइट से रिलेटेड है तो प्रदीप उसकी रिक्वेस्ट करेगा। लेकिन बाहर से मेरे पास क्या रिक्वेस्ट एक ही आई है, तो बाहर से कॉमन रिक्वेस्ट है, अंदर जाके वो मल्टीपल लोगों में डिवाइड हो रही है। तो उस स्टेप्स का हम इंफ्रा बना रहे हैं। इससे क्या है कि एक तो ट्रबल शूटिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी, कि अगर कोई रिक्वेस्ट सिर्फ लाइक कोई आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, अब मुझे बताए कि वेबसाइट पे गए तो वेबसाइट तो पीएचपी से एक्सेस हो गई, लेकिन वहां जो आप एक फॉर्म भर रहे हैं वो तो मेरे डेटाबेस के अंदर जाके सेव होगा। लेकिन क्या है, वेबसाइट तो ओपन हो रही है, लेकिन जब फॉर्म कर रहे हैं तो फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है। गॉट इट, फॉर्म में क्या आ रही है, फॉर्म जब मैं फिल कर रहा हूं तो वहां पे नेम का एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ वेबसाइट, ये प्रॉब्लम मेरे बैकएंड में जो डेटाबेस बनाया है उससे रिलेटेड है। और अगर मैंने अब दोनों पे कर दिया तो हो सकता है डेटाबेस के साथ साथ मेरी वेबसाइट पे भी कोई इफेक्ट हो जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, डेटाबेस जहां पर है डेटाबेस के अंदर जाके उसका ट्रबल शूटिंग करूंगा ना, मुझे वेबसाइट से क्या लेना देना, क्योंकि वेबसाइट के साथ डेटाबेस की तो कनेक्टिविटी होती है खाली, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, वेबसाइट तो मैं क्या है अलग अलग अपने, मतलब की एक मेरा प्रोजेक्ट हो रहा है तो मेरे पास 10 डेवलपर्स बैठे हैं, तो मैं हर डेवलपर्स के लिए अलग अलग पॉड बना सकता हूँ और उन सारे पॉड्स को मिलाकर एक टास्क एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। गॉट इट, इसलिए यहाँ पर क्या है कि बंदा कोऑर्डिनेट्स का यूज करता है। दूसरा फेलियर, कि अगर विद इन क्लस्टर मेरा कोई भी सर्वर फेल्ड होता है वो रीडिप्लॉय अपने आप हो जाएगा, पॉड्स डिलीट होते हैं वो रीडिप्लॉय हो जाएंगे, कंटेनर डिलीट होते हैं वो भी दोबारा से रीडिप्लॉयड हो जाएंगे। यानी कि 100% एबिलिटीज मेरे को मिल रही है। दूसरा सिक्योरिटी मिल रही है मेरे को, अब यहाँ पर ये नहीं पता लग रहा कि जो मेरा कंटेनर है वो किस सिस्टम पर बना हुआ है, तो उसको ट्रैक करना भी अपने आप में क्या है बहुत बड़ी चैलेंज है। तो अभी हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको चीजें क्या हाँ, तो मास्टर नोड को एक्सेस कर लो ना कंट्रोलर नोड पे, दोबारा क्लस्टर काम तो आपके क्लस्टर पर है ना, ये हायरार्की बनाई हुई है कि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपके जो पॉड है वो चल रहे हैं वर्कर नोड पे, लेकिन वर्कर नोड से पहले मास्टर है और मास्टर से पहले क्या है कंट्रोलर है, तो आप डायरेक्ट इस सर्वर पे, और इस वर्कर नोड के अंदर भी क्या है पॉड है, और पॉड पे भी नहीं उसके अंदर कंटेनर है वहां आपकी एप्लीकेशन चल रही है, तो कितनी लेयर्स आ गई है यहाँ पर। अब डायरेक्ट लेयर्स नहीं है ना, अब मल्टीपल लेयर्स एड ऑन होगी, अब कहां तक आप हैक करोगे इसको, क्रैश के लिए तो क्लस्टर लगाया है हमने, कंट्रोलर नोड हो जाए क्रैश उससे क्या फर्क पड़ रहा है, दोबारा से हम आईपी से एक्सेस कर लेंगे मास्टर नोड को, भाई कोई चीज अगर क्रैश होगी तो रीडिप्लॉय भी तो होगी, दोबारा बनाओगे आप उसको, क्लस्टर ही हो गया तो आप तो फिर तो नौकरी गई तुम्हारी।
यहाँ पर क्या है कि ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं जो आपके यहाँ पर यूज होते हैं। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, तो अब बताता हूं कि ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं डिस्ट्रीब्यूट इन टू पार्ट्स, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आपके दो पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि इसमें से कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके वर्क करते हैं मास्टर पर और कुछ कंपोनेंट्स वर्क करते हैं आपके वर्कर पर। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसका है, और ये दो जो है ना, ये जो दो चीजें हैं, तो एक्सईडी क्लस्टर क्या है? द ऑल क्लस्टर इंफॉर्मेशन सेव इन एक्सईडी क्लस्टर, यानी कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, क्लस्टर की इंफॉर्मेशन सेव हो रही है, क्लस्टर के ऊपर कोई डेटा रखा है वो इंफॉर्मेशन सेव नहीं हो रही है। यानी कि आपने अगर कोई वेबसाइट रखी है क्लस्टर पे, पॉड पॉड के अंदर आपने कंटेनर, कंटेनर के ऊपर कोई वेबसाइट है, तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव। क्लस्टर का मतलब है कि ये जो क्लस्टर बनाया है, कितने मास्टर बने हैं, कितने वर्कर नोड्स बने हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन आपकी कौन सेव करता है? एक्सईडी क्लस्टर। और एक्सईडी क्लस्टर के साथ सिर्फ कोऑर्डिनेट कौन कर सकता है? एपीआई सर्वर। एक्सईडी के साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा? एपीआई सर्वर। और एपीआई सर्वर और एक्सईडी क्लस्टर, ये दोनों की दोनों चीजें आपकी होती हैं मास्टर नोड पे। यानी कि आपके पास एक मास्टर नोड है गाइस, और इस मास्टर नोड पर ये आपका मास्टर नोड है, और इस मास्टर नोड को हम बोलते हैं एपीआई सर्वर, गॉट इट? और एपीआई सर्वर इज कम्युनिकेट विद क्लस्टर, ओनली एपीआई सर्वर ही आपके क्लस्टर के साथ क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा। एंड एक्सईडी क्लस्टर मैनेज ऑल क्लस्टर इंफॉर्मेशन, क्या ETCD क्लस्टर। और यहां पर जो मैं एक्सईडी क्लस्टर की लोकेशन दूंगा वो मैं S3 स्टोरेज के अंदर दूंगा, यानी कि जब मैं लैब करूंगा तो एक्सईडी क्लस्टर कहां पर बनाऊंगा? S3 स्टोरेज। यानी कि क्लस्टर बनाने से पहले आपके पास S3 स्टोरेज होना चाहिए। क्लस्टर की इंफॉर्मेशन सेव कहां पे करोगे? डेटाबेस में नहीं हो सकती, RDS बना। RDS में क्यों? मैं तो उस पे स्टोरेज के अंदर रखूंगा ना, आप जहां मर्जी बनाओ। ये थर्ड पार्टी क्लस्टर है, ये गूगल का नहीं है पार्ट। अब यहां पर आता है कि अब मास्टर नोड के साथ मैंने बताए थे कि यहां पर आपका मास्टर नोड किसको मैनेज करता है? वर्कर नोड को। तो सपोज करिए ये मेरा वर्कर नोड है, वर्कर नोड पर हमारे पास तीन सर्विस होती है। वर्कर नोड पे क्या क्या सर्विस होती है? तीन कंपोनेंट्स वर्कर नोड पे काम करते हैं। तो ये मेरा वर्कर नोड है, दो दो यहां पे पता लग गया आपको कंपोनेंट्स, ये है मेरा वर्कर नोड। एंड वर्कर नोड मैनेज एक आपके डॉकर, तो डॉकर हमेशा कहां पर इंस्टॉल रहता है? वर्कर नोड पे। आपको इंस्टॉल नहीं करना है, जब क्लस्टर बनेगा तो अपने आप ही हो जाएगा, आपको कुछ मैनुअली नहीं करना है यहां पर, सब चीज क्लस्टर करेगा। दूसरा यहां पर होता है क्यूब प्रॉक्सी। तो डॉकर की हेल्प से क्या होगा गाइस? डॉकर की हेल्प से यहां पर आपका होगा पॉड्स के अंदर कंटेनर बनेंगे, और क्यूब प्रॉक्सी यहां पर काम करता है नेटवर्किंग की, यानी कि कंटेनर्स के और क्लस्टर्स के जो भी नेटवर्किंग का पार्ट है, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन है, वो सारे का सारा मैनेज कौन करेगा? क्यूब प्रॉक्सी। तो क्यूब प्रॉक्सी क्या करता है गाइस? क्यूब प्रॉक्सी मैनेज ऑल द
नेटवर्किंग पार्ट, जितने भी नेटवर्किंग के पार्ट्स हैं आपके, उन सबको क्यूब प्रॉक्सी मैनेज करेगा। क्लियर एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? देन उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है क्यूबलेट। तो ये दो ही होते हैं, तीसरा कौन होता है भाई? तो क्यूबलेट के हेल्प से वी हैव क्रिएट अ पॉड, यानी कि क्यूबलेट हमारा क्या है, वो हमारी चीजों को एग्जीक्यूट कराएगा। नेटवर्किंग के लिए होता है। तो तीसरा जो हमारा यहाँ पर कंपोनेंट्स आता है गाइस, वो आता है क्यूबलेट। और क्यूबलेट का क्या काम है? द क्यूबलेट मैनेज द पॉड एंड कंटेनर। कंटेनर को स्टॉप करना है, स्टार्ट करना है, जो भी मैनेज करना है वो क्या करेगा, कौन करेगा? क्यूबलेट करेगा। बट मास्टर नोड पर एपीआई के अलावा एक और सर्विस हमारी काम करती है, जो कि है हमारा शेड्यूलर। शेड्यूलर का मतलब है कि कुछ भी काम अगर आपको वर्कर नोड पर करना है तो वो कौन करेगा? मास्टर के थ्रू। तो आप जॉब शेड्यूल कहां से करेंगे? मास्टर से। यानी कि कमांड आप किसको देंगे? मास्टर से, क्रिएट अ पॉड। अब मास्टर क्या करेगा? पॉड क्रिएट करेगा। तो मास्टर पॉड कहां पर क्रिएट करेगा? वर्कर नोड पर। वर्कर नोड पर पॉड कहां पर क्रिएट होगा? डॉकर कंटेनर से। उसकी नेटवर्किंग कौन मैनेज करेगा? क्यूब प्रॉक्सी। और कंटेनर्स और पॉड्स को मैनेज कौन करेगा? क्यूब सीटीएल। सो अब शेड्यूलर यानी कि मास्टर नोड पर ही आपका एपीआई सर्वर है, और अब आपको कोई भी चीज कॉन्फिगेशन करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं शेड्यूलर, यानी कि शेड्यूल द जॉब। यानी कि आपको कोई भी काम करना है शेड्यूलर करेगा। तो शेड्यूलर क्या करेगा? लाइक का कि मैंने एक जॉब यहां पर एग्जीक्यूट करी, क्रिएट पॉड, क्रिएट पॉड। तो ये मैं पॉड आपका कंटेनर्स है, मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं इन सिंगल पॉड। ही वहां पर कंटेनर बोला जाता है डॉकर में, यहां पर पॉड बोला जाता है। The pod is a combination of container. Pod के अंदर आपके container बनते हैं। Cluster servers हो गए। Server के ऊपर pod बनता है। जैसे आप क्या करा? Virtual machine ली, virtual machine के ऊपर Docker engine डाला, Docker engine के अंदर जाके container बनाया। यहाँ पर container call नहीं करते। यहाँ पे क्या है कि एक और layer दे दिया है container से पहले pod। अब कंटेनर डायरेक्ट नहीं बनेंगे, यहाँ पर कंटेनर बनेंगे पॉड के अंदर। सर, एक बार ऐसा करो, इस टोटल को बंद करके एक बॉक्स में और मास्टर प्लस नोड बराबर क्लस्टर, तो समझ में आ जाएगा। ना, मुझे नहीं समझाना, मैं आगे कुछ और सोच के बैठा हूँ। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि अब मुझे अगर कोई पॉड बनाना है तो पॉड के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट अ पॉड, और पॉड में भी क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, क्रिएट पॉड एंड डिप्लॉय NGINX Nginx वेबसाइट। कि आपको एक पॉड है उसके अंदर क्या करना है, Nginx की एक वेबसाइट को डिप्लॉय करना है। यानी कि ये मैंने एक क्या करी है, एक जॉब को शेड्यूल करा है। अब जैसे मैंने इस जॉब को शेड्यूल करा तो ये रिक्वेस्ट मेरी कहां पर जाएगी? मास्टर के पास। गॉट इट? मास्टर ने शेड्यूल करी जॉब। अब मास्टर इस रिक्वेस्ट को कहां पर भेजेगा? वर्कर नोड पे। अब वर्कर नोड क्या करेगा? वर्कर नोड क्या करेगा? सबसे पहले तो उसने बोला है हमने कि अगर आपको कभी भी काम करना है, ये कुबरनेट का फीचर्स है, तो आपको वेबसाइट तो बनानी है और कंटेनर पे बनानी है, बट आप कंटेनर से पहले एक पॉड क्रिएट करेंगे और उस पॉड के अंदर जाके आप क्या क्रिएट करोगे? कंटेनर क्रिएट करोगे। तो ये हो गया आपका पॉड। पॉड वन नाम दे दिया और ये हो गया आपका Nginx का कंटेनर।
यानी कि पॉड के अंदर क्या बना, कंटेनर। तो कंटेनर किसकी हेल्प से बनेगा, डॉकर की हेल्प से, और पॉड किसकी हेल्प से बन रहा है, क्यूबलेट की हेल्प से। क्लियर। और नेटवर्किंग कौन मैनेज कर रहा है, क्यूब प्रॉक्सी। ये क्रिएट किसने करा है, मास्टर नोड ने। कब, जब उसको हमने जॉब क्रिएट, यानी कि यहां पर हमने मास्टर नोड पे जब कमांड डाली है तो मास्टर ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया है, कहां पर, वर्कर नोड पर। अब यहां पर हो सकते हैं 100 नोड हो, 20 नोड हो, यानी कि एक से ज्यादा सर्वर्स हो सकते हैं। तो इस पूरे इंटायर मास्टर और वर्कर नोड, यानी कि ये जो मास्टर वर्कर नोड की सारी इंफॉर्मेशन कहां पर सेव हो रही है, एक्सईडी क्लस्टर के अंदर। क्लियर एवरीवन, गाइस, आदित्य, अरुण, हिमांश, यस सर, योगी, गाइस, यस सर, देखिए ये यस चीज आपको वर्क करना है, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब यहां पर नेक्स्ट आता है कि कंट्रोलर मैनेजर। तो यहां पर एक और मशीन बनेगी जिसको हम कंट्रोलर नोड बोलते हैं। तो वो है हमारा कंट्रोलर मैनेजर, क्योंकि हम मास्टर नोड पर भी डायरेक्ट काम नहीं कर सकते। तो मास्टर नोड को, क्योंकि मास्टर नोड तो क्लस्टर के अंदर है, तो अगर हमें इसको काम करना है तो हम कंट्रोलर नोड के थ्रू करेंगे, जिसको हम कंट्रोलर मैनेजर बोलते हैं। तो गाइस, जब आप कुबरनेट्स पे जाते हैं तो वहां पे पूछा जाता है द नेम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ कुबरनेट क्लस्टर। तो आपको ये कंपोनेंट्स बताने पड़ेंगे। देन वो पूछ सकते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ एपीआई सर्वर। तो एपीआई एक गेटवे की तरह काम कर रहा है, जो कि आपका पूरा कम्युनिकेशन कराने का काम कर रहा है। बिल्कुल। कंट्रोलर मैनेजर का क्या काम है, शेड्यूलर क्या का क्या काम है, कहां पर काम करता है, एक्सईडी क्लस्टर का क्या यूज है, ठीक है, क्यूब प्रॉक्सी का यूज क्या है, कुबलेट का यूज क्या है, डॉकर हम क्यों यूज कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके रेज हो सकते हैं जब आप कुबरनेटिस पर जाएंगे। क्लियर एवरीवन। लेकिन अब आप यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि ये तो चलो मैंने यहाँ पे सारा का सारा चीज बता दी है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है कुबरनेट्स क्या है। सो बेसिकली कुबरनेट पर जो हमें काम करना है ना, तो वहां पर हम सारा काम डॉकर पे कर रहे थे, और यहां पर हम किस पे करेंगे, पॉड पे। और पॉड के अंदर क्या होगा, हमारा कंटेनर। बट हमें इसकी हाई एबिलिटी इंफ्रा बनाना है, यानी कि फेलियर, ठीक है, लाइक लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग्स वगैरह, वो सब भी क्या करनी पड़ेंगी, अब अटैच करनी पड़ेंगी कंटेनर के साथ। जब आपने ऑटो स्केलिंग करी थी तो आपने क्या करा था, सर्वर फेल्ड हो रहे हैं तो सर्वर बन रहे हैं, लेकिन अब जब आप डॉकर यूज कर रहे हो तो अब क्या है, सर्वर के अंदर कंटेनर बना हुआ है, और आपकी एप्लीकेशन अब सर्वर पे नहीं चल रही है, वो कहां पर चल रही है, कंटेनर पे। और कंटेनर फेल्ड हो गया तो क्या वो रीडिप्लॉय होगा, क्योंकि ऑटो स्केलिंग तो हमने सर्वर पे लगाई हुई है, यस और नो, एप्लीकेशन के लिए तो नहीं लगाई ना। तो अब हम कुबरनेट के थ्रू अपने कंटेनर पर को भी हाई अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉय करेंगे, कि अगर मेरा कंटेनर भी फेल होता है तो भी हमारी एप्लीकेशन दोबारा से रीडिप्लॉय हो और बन जाए, यानी कि जो लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग का फीचर्स है वो इंफ्रा के साथ साथ कंटेनर स्पॉट पर भी इंप्लीमेंट होगा। अब गाइस, अब आता है कि ये तो ठीक है, देखिए मैं ये वीडियो प्लस मेरी एक पुरानी वीडियो और है 1.5 घंटे की कुबरनेट्स की है। आपको कुबरनेट्स की थ्योरी और कुबरनेट समझना है तो कम से कम आपको दोनों वीडियो 3 से 4 बार धीरे धीरे स्लो मोशन में देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कम से कम 2.5 घंटे का लेक्चर मैं ऐड करूंगा यूट्यूब पर, और आप लोगों को वो दोनों वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ये वाली भी और पुरानी वीडियोस भी। पुरानी वीडियो में थ्योरी मैंने और दूसरे तरीके से बताई है, और भी ज्यादा आई थिंक एक्सप्लेनेशन हो सकता है उसमें, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। अब आता है हाउ टू क्रिएट कुबरनेट क्लस्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है गाइस ये, हो सकता है कि आप थ्योरी को स्किप कर दें, लेकिन अगर आपने थ्योरी स्किप करी तो इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। तो हाउ टू क्रिएट कुबरनेट क्लस्टर। तो गाइस, कुबरनेट क्लस्टर क्रिएट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुबरनेट क्लस्टर आप कहां पर क्रिएट करोगे। आप क्लाउड पे क्रिएट करेंगे, तो क्लाउड पर अगर क्रिएट करना है तो जब आप क्लस्टर क्रिएट करोगे तो क्लस्टर कौन क्रिएट करेगा, कंट्रोलर नोड क्लस्टर क्रिएट करेगा।
यानी कि जब एक क्लस्टर क्रिएट करेगा तो क्लस्टर्स के जो सर्वर्स बन रहे हैं वीपीसी से कनेक्ट होंगे, S3 स्टोरेज के अंदर क्लस्टर की इंफॉर्मेशन सेव होगी। फेलियर के लिए ये लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग का यूज करेगा। आपको अगर किसी चीज को नाम से एक्सेस करना है तो Root 53 भी। तो सबसे पहले ये सारी की सारी परमिशंस आपके कंट्रोलर नोड के पास होनी चाहिए। अगर ये सारी परमिशंस कंट्रोलर नोड के पास नहीं हुई तो वो आपका क्लस्टर भी क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपके पास वीपीसी की परमिशन कंट्रोलर नोड के पास नहीं हुई तो वो मास्टर नोड्स को नेटवर्क से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो आपका क्लस्टर क्या हो जाएगा, फेल्ड। कंट्रोलर नोड के पास अगर कहते हैं कि आपके पास S3 का परमिशन नहीं हुआ तो वो S3 को भी क्रिएट नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि वो क्लस्टर की इंफॉर्मेशन S3 पे भेजेगा नहीं, क्योंकि उसको S3 एक्सेस करने के राइट ही नहीं है। अगर आपको कुबरनेट, हाउ टू क्रिएट कुबरनेट क्लस्टर, सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक S3 स्टोरेज क्रिएट करना पड़ेगा Root 53 वीपीसी लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग IAM रोल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, ये 7 सर्विसेज का एक्सेस आपको देना पड़ेगा, यानी कि S3 स्टोरेज रिक्वायर्ड है। आपके पास Root 53, देन आपके पास VPC, देन लोड बैलेंसर, यही हमारे हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं ना, देन IAM रोल, देन ऑटो स्केलिंग, इन्हीं सबको मिला के क्या होता है, हमारा हाई अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है एंड एडमिन राइट। तो सबसे पहले हमें ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, खैर तो मैं क्या करूंगा नाउ कि सबसे पहले मैं यहां पर एक रोल क्रिएट कर रहा हूं, क्रिएट रोल, क्रिएट IAM रोल एंड प्रोवाइड सर्विस एक्सेस। यानी कि ये जितनी भी सर्विस बनाई है इन सारी सर्विस का एक्सेस मैं इस रोल के साथ अटैच करूंगा। गॉट इट द पॉइंट? तो पहला तो पॉइंट हो ये हो गया कि आपको क्या क्रिएट करना है, IAM रोल करना है। अब आप एक EC2 इंस्टेंस बनाओगे, तो यहां पर एक और चाहिए, EC2 एक्सेस भी रिक्वायर्ड है। यहां पे एक और सर्विस आएगी अभी, EC2 एक्सेस, ऑटो स्केलिंग एंड EC2, क्योंकि सर्वर तो EC2 के अंदर बनेंगे ना, EC2 से बनेंगे ना। देखिए क्लाउड में क्या हो रहा है, EC2 से सिर्फ सर्वर बनेंगे, ठीक है, बट उसका नेटवर्क वीपीसी प्रोवाइड कराएगा, हाई एबिलिटी लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग प्रोवाइड कराएंगे, डेटा लोकेशन XCD क्लस्टर के लिए स्टोरेज चाहिए, नेम में कन्वर्ट करना है IP टू नेम तो Root 53 चाहिए। तो ये सारी सर्विसेज हमें क्या रिक्वायर्ड है। अब मेरे को जो कंट्रोलर नोड बनाएगा, क्योंकि क्लस्टर कौन क्रिएट करेगा, कंट्रोलर नोड, तो ये जो रोल है ये मैं कंट्रोलर नोड के साथ अटैच करूंगा। ये आपकी स्टेज नंबर 1 है। अब अटैच होने के बाद अब कंट्रोलर नोड पर मुझे 2 चीज और इंस्टॉल करने पड़ेंगे, वो है आपका इंस्टॉल कोप्स एंड इंस्टॉल CTL। मुझे 2 टूल्स, ये कुबरनेट्स के क्या हैं, 2 टूल्स हैं, ये 2 टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और देन जब ये सारी चीज हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, कंट्रोलर नोड्स को मैं कमांड दूंगा क्रिएट क्लस्टर। अब जब आप क्रिएट क्लस्टर करेंगे तो अब कंट्रोलर नोड आपसे पूछेगा कि आपको क्लस्टर क्रिएट कहां पर करना है, AWS क्लाउड पे करना चाहते हो, Azure पे करना चाहते हो, GCP पे करना चाहते हो।
उसी के हिसाब से आपकी सारा सेटअप होना चाहिए। तो जब मैं कुबरनेट क्लस्टर को यहाँ पर कमांड दूंगा तो मैं कुछ कमांड्स के अंदर भी मेंशन करूंगा कि मास्टर नोड मेरे को कितने बनाने हैं, वर्कर नोड कितने बनाने हैं, गॉट इट। और मैं कहता हूं लाइक रूट 53 डोमेन का मेरा नाम क्या है, रूट 53 लाइक का मैं कह देता हूँ xyz.com, ठीक है ना, है मंडेटरी है ना, ना होने का सवाल ही नहीं है ना, पहले चाहिए। हाँ जी, ये सारे ऑप्शन मंडेटरी हैं, अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो क्लस्टर बनेगा ही नहीं। root53xyz.com मैंने दे दिया। उसके बाद वो आपसे पूछेगा जोन, यानी कि रीजन, किस रीजन में बनाना चाहते हो, किस जोन के अंदर बनाना चाहते हो, ठीक है, मल्टी जोन, सिंगल जोन, किस टाइप्स का बनाना चाहते हो। देन उसके बाद ये आपसे पूछेगा लाइक अ साइज, कि आप जो वर्कर नोट्स बना रहे हैं उसका साइज क्या करना है। तो यहाँ पे t2.medium आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पर t2.micro नहीं चलेगा क्योंकि उसकी मिनिमम रिक्वायर्ड 2 CPUs है और t2 micro में 1 CPU आपको मिलता है। तो t2.medium आपको साइज लेना पड़ेगा। फिर वो पूछेगा क्लाउड कौन सा है, तो AWS आपको बाकायदा मेंशन करना पड़ेंगे ये सारी चीजें। इनमें से एक भी चीज मिस हुई तो आपका क्लस्टर नहीं बनेगा, और क्लस्टर जब तक नहीं बनेगा तो आप कुबरनेट्स की एक भी लैब नहीं कर पाओगे। क्यों गाइस, मजा आ रहा है पढ़ने में? अब पता लगेगा ना किसने क्लाउड पे ध्यान दिया। चलिए तो क्लस्टर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले ये सारी चीजें हम बनाते हैं वन बाय वन। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद पोर्टल। सबसे पहले गाइस मैं जा रहा हूँ root 53 में। तो मैं यहाँ पर root 53 सर्विस के अंदर जा रहा हूँ, सबसे पहले root root 53, और सबसे पहले मैं एक डोमेन अपना क्रिएट कर रहा हूँ, और मैं ये प्राइवेट डोमेन ले रहा हूँ, पब्लिक नहीं ले रहा। मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, मैं पब्लिक डोमेन नहीं ले रहा, प्राइवेट डोमेन ले रहा हूँ। तो आपको जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड वाइड एक्सेस करो, आप अपनी टेस्टिंग के लिए लोकल तो बना ही सकते हो ना। तो मैं यहाँ पे आया Amazon root 53 में एंड होस्टेड जोन के अंदर आया, और जब आप होस्टेड जोन करेंगे तो क्रिएट होस्टेड जोन, आपसे वो पूछेगा आपका डोमेन नेम। गॉट माय पॉइंट? तो मैंने यहाँ पे डोमेन नेम दे दिया लाइक iccpinfo.com। क्लियर? ये मैंने अपना डोमेन नेम दे दिया कि मैं अपना इस नाम से, मैं क्लस्टर भी इसी नाम से बनाऊंगा और बकेट भी मैं इसी नाम से बनाऊंगा। तो डोमेन नेम और क्लस्टर नेम सेम रहेगा, ये भी चीज ध्यान रखना। जब आप क्लस्टर बनाएंगे तो आपका डोमेन नेम और क्लस्टर नेम दोनों क्या होने चाहिए, सेम। अब मैं यहां पर ले रहा हूं पब्लिक में, तो आपको खरीदना पड़ेगा। मैं प्राइवेट ले रहा हूं जो कि मेरे विद इन क्लाउड चलेगा, उसमें भी वो पूछेगा किस रीजन में आप बनाना चाहते हो। तो मैं चला जाता हूँ कि मैं आई थिंक तो लंदन लोकेशन पे था, नहीं वहां पे, लंदन लोकेशन में ले रहा हूँ। और वीपीसी, तो यहाँ पर इसका डिफॉल्ट वीपीसी आ रहा है, आपकी मर्जी, आप कस्टम वीपीसी लेना चाहते हैं कस्टम क्रिएट कर लो। मैंने यहाँ पे क्या है, लंदन लोकेशन लिया है और वीपीसी ये लिया है एंड क्रिएट, यानी कि अब ये जो मेरा पूरा क्लस्टर है मुझे इस पर्टिकुलर वीपीसी पर ही बनाना पड़ेगा एंड क्रिएट होस्टेड जॉन। तो ये पहला काम हो गया कि मैंने root 53 पर जाके अपना डोमेन क्रिएट कर लिया। दूसरा, मुझे XCD क्लस्टर की लोकेशन देनी है कि मेरे क्लस्टर की इंफॉर्मेशन कहां पर सेव हो। तो मैं चाहता हूं कि मेरे क्लस्टर की इंफॉर्मेशन मेरे बकेट्स के अंदर सेव हो। तो उसके लिए नाउ सेकंड सर्विस S3 के अंदर गया और मैं यहां पर एक S3 के स्टोरेज एग्जीक्यूट करूंगा। इसके वीपीसी में प्रॉब्लम है इसलिए क्रिएट अ बकेट, हाँ मतलब कस्टम बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली लंदन आ गया। बकेट नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक का, बकेट नेम मैं यहाँ पर दे देता हूँ लाइक का iccpinfo। तो बकेट नेम गाइस iccpinfo दिया है एंड ACL इनेबल कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट राइट पब्लिक एक्सेस में यहाँ पर अलाउड कर रहा हूँ सारी चीजें एंड एक्नॉलेज कर रहा हूँ, वर्जनिंग मैं इनेबल नहीं कर रहा एंड नाउ क्रिएट बकेट।
दूसरा गाइस मैंने यहाँ पे क्या करा, बकेट भी क्रिएट कर ली आईसीसीपी इन्फो। तो मेरा डोमेन नेम है iccpinfo.com और बकेट मैंने आईसीसीपी इन्फो के नाम से, आप चाहे तो तीनों जगह सेम नाम रख सकते हो, आपकी मर्जी है। देन तीसरा ऑप्शन मेरे पास आता है आईएम। तो आईएम के अंदर मुझे अब क्या करना है कि ये जितनी भी सर्विसेज हैं इन सब का एक्सेस देना है, क्योंकि कंट्रोलर नोड जब क्लस्टर बनाएगा तो यहां पर वो सर्वर बनाएगा, तो उसको EC2 के राइट्स रिक्वायर्ड है। वो कंट्रोलर नोड वीपीसी भी अपने आप बनाएगा एक, गॉट इट, वो अपना वीपीसी, अपना सिक्योरिटी ग्रुप, अपना कीपीआर, सारी चीज खुद से क्रिएट करेगा क्लस्टर के लिए। ये सारी चीजें वो अपने आप बनाएगा, आपको मैनुअल कुछ नहीं है। ऑटो स्केलिंग भी वो अपने आप क्रिएट करेगा, बट वो तभी क्रिएट कर पाएगा जब ये सारे एक्सेस उसके पास होंगे। तो क्लस्टर बनाने के लिए ये सारी सर्विसेज का एक्सेस रिक्वायर्ड है, अगर इनमें से एक भी सर्विस का एक्सेस नहीं है तो आपका क्लस्टर फेल हो जाएगा, वो बनेगा ही नहीं। तो अब मैं जा रहा हूं कि अब मेरे को एक्सेस देना है, तो मैंने अब यहां पर गया आईएएम रोल के अंदर आया गाइस, और यहां पर आके मैं बना रहा हूं रोल्स। यूजर की जरूरत नहीं है मुझे, मैं रोल क्यों बना रहा हूं, आईएएम रोल बताया था, या तो आप यूजर के थ्रू कर लो या रोल के थ्रू। मैं रोल के थ्रू एक्सेस दे रहा हूँ, मैं यूजर वाला लेके नहीं जा रहा, क्योंकि यूजर तो मेरा ब्राउजर पे भी लॉगिन हो जाएगा ना। मैं रोल जिस सर्वर के साथ अटैच करूंगा उस सर्वर पे वो काम होगा, तो मैं ये रोल कंट्रोलर नोड को दे दूंगा, तब कंट्रोलर नोड पे जो भी यूजर काम करेगा उसके पास ये सारी चीज बनाने के एक्सेस मिल जाएंगे। समझ गया लॉजिक, तभी कह रहा हूँ भाई डेवऑप्स के चक्कर में क्लाउड पढ़ना भूल छोड़ दिया तुम लोगों ने। तो क्रिएट अ रोल, AWS सर्विस के लिए रोल बना रहा हूं, और रोल जो मेरा अटैच करना है वो मुझे EC2 के साथ अटैच करना है। देन अब EC2 के बाद नेक्स्ट, अब वो मेरे से पूछा है परमिशन, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस मैंने देना है, वो मैंने दे दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है लाइक का S3 फुल एक्सेस का राइट देना था, फिर मुझे देना है यहाँ पर EC2 फुल एक्सेस भी मैंने दे दिया है, फिर मुझे यहाँ पे देना है लाइक का Root 53, तो Root 53 फुल एक्सेस के राइट्स भी मैंने यहाँ पे एलोकेट कर दिए हैं। फिर मुझे यहाँ पे देना है IAM फुल एक्सेस के राइट्स भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। फिर मुझे यहाँ पे देना है लाइक का ऑटो स्केलिंग, ऑटो SELING स्केलिंग, तो ऑटो स्केलिंग फुल एक्सेस के भी राइट्स मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। देन उसके बाद मुझे इसको एक्सेस देना है लाइक का लोड बैलेंसर, तो इलास्टिक लोड बैलेंसर फुल एक्सेस, तो लोड बैलेंसर का भी दे दिया। देन मुझे वीपीसी का भी एक्सेस देना है, तो वीपीसी अमेज़न वीपीसी फुल एक्सेस, तो आई थिंक सो मैंने यहाँ पर S3 भी दे दिया, Root 53, वीपीसी, लोड बैलेंसर, आईएम रोल, ऑटो स्केलिंग, एडमिन और EC2, सारे हो गए। नाउ नेक्स्ट, तो आपको अभी दिखा भी देगा जो भी मैंने एक्सेस दिए हैं यहाँ पर, सारे के सारे ये दे दिए मैंने, ये सारे एक्सेस दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ लाइक का कुबरनेट ROLE रोल 1, मैंने इसका नाम दे दिया कुबरनेट रोल 1 एंड Creator और गाइस अब यहां पर ये, यानी कि अब ये मेरा पहला स्टेज कंप्लीट हुई है। अब मैं क्या करूंगा, नाउ वी हैव क्रिएट अ कंट्रोलर नोड, तो कंट्रोलर नोड को आप T2.micro पे ले सकते हो पहली बार, ठीक है। कंट्रोलर नोड आप कहां पर बना सकते हो, फ्री टायर पर बना सकते हो, क्योंकि चार्जेस आपके लगेंगे तब जब आप क्लस्टर बनाओगे, क्योंकि पेड सर्विस कहां पर बन रही है, क्लस्टर के अंदर।
तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कंट्रोलर नोड पर क्लस्टर बनाओ, प्रैक्टिस कर ली, क्लस्टर डिलीट कर दो और फिर से कंट्रोलर नोड को बना रहने देना। नेक्स्ट डे आओगे, फिर से क्लस्टर बनाओगे तो क्लस्टर विद इन 10 to 15 मिनट्स बन जाएगा। आपको आके सिर्फ एक कमांड चलानी है, बट ये सारी चीजें बनी रहनी चाहिए। अगर इनमें से भी कोई भी चीज डिलीट कर दी तो फिर कंट्रोलर नोड भी काम नहीं करेगा। क्लियर भाइयों? इसलिए इसकी कोई भी क्लास रिपीट नहीं होगी और इतना बड़ा सेटअप बार बार बनेगा भी नहीं। नाउ चलते हैं हम अपने सेटअप पे, बैक टू एंड कम टू EC2। और EC2 पर आने के बाद अब हम यहां पर सबसे पहले अपना एक कंट्रोलर नोड बना रहे हैं। तो इंस्टेंस लॉन्च इंस्टेंस, Give the name is controller controller and या controller manager. ये नाम रख दिया इसका एंड AWS Linux की मशीन में ले रहा हूँ, सेकेंड वाली या फर्स्ट वाली कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे चॉइसेस यू है। एंड इंस्टेंस टाइप t2.micro, की पेयर, सो आई एम यूजिंग की पेयर से, यहाँ एक मैंने जेंकिन की बना रखी है, बट मैं यहाँ पे क्रिएट की कर लेता हूँ विद द नेम KUBER Kubernetes-E। तो Kubernetes के नाम से मैं एक PAM की यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ गाइस। देन क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, तो मैं यहाँ पर एक नया सिक्योरिटी ग्रुप ना करके एडिट करता हूँ और यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट VPC ले लिया है, पब्लिक IP इनेबल कर लिया है, जॉन ए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। तो जोन ए के अंदर ही मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप भी यहाँ पे बना लेता हूँ लाइक KUBERNETS-NETS-SG। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ गाइस, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप बन रहा है ये आपके कुबरनेट के लिए नहीं बन रहा है, ये आपके कंट्रोलर नोड के एक्सेस के लिए बन रहा है। जब आप क्लस्टर बनाएंगे तो कंट्रोलर नोड ऑटोमेटिकली दो सिक्योरिटी ग्रुप बनाएगा जिसके अंदर फुल एक्सेस नहीं। अब अगर आप कोई भी पॉड क्रिएट करते हो और प्रोटोकॉल्स के अंदर पोर्ट नंबर अलाउड करते हैं तो उनके पोर्ट्स भी आपको कुबरनेट क्लस्टर के सिक्योरिटी ग्रुप में भी अलाउड करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो वहां से ब्लॉक हो जाएंगे। कोई नहीं, टेंशन मत लो। ऑल ट्रैफिक एनीवेयर एंड स्पेस में यहाँ पे दे देता हूँ 20 GB एंड लॉन्च इंस्टेंस। अब गाइस क्या करना है कि जब सर्वर मेरा बन जाएगा तो इस सर्वर के पास अभी कोई भी सर्विस को मैनेज करने के राइट्स नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि इस सर्वर पे जो भी कैंडिडेट बैठा है वो S3 स्टोरेज बनाए या EC2 की वर्चुअल मशीन बनाए या VPC क्रिएट करे, तो डेफिनेटली वो कब क्रिएट कर पाएगा, जब मैं इसको राइट्स दूंगा। तो अब मैं इस मशीन को राइट्स किसके थ्रू दे रहा हूँ, रोल के थ्रू। अगर मैं इस मशीन के साथ IAM रोल अटैच कर देता हूँ तो जो भी परमिशंस मैंने IAM को दी है वो सारी की सारी परमिशंस इस वाली मशीन को एलोकेट हो जाएगी। तो यहाँ पे कुबरनेट रोल 1 मैंने कर दिया एंड अपडेट आई है, यानी कि अब इस मशीन पर बैठ के मैं S3 को भी मैनेज कर सकता हूँ, रूट 53 को भी मैनेज कर सकता हूँ, VPC, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, IAM, सारी चीज को मैं यहाँ से बैठकर अब मैनेज कर सकता हूँ। मुझे बार बार क्लाउड के पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे अगर कमांड्स आती है तो कमांड्स के थ्रू मैं सारा काम कर लूंगा। क्लियर एवरीवन? इतना। अब नेक्स्ट आता है इंस्टॉल कुबरनेट्स। तो अब मुझे क्या करना है कि अब इसके बाद रोल अटैच करने के बाद मुझे इंस्टॉल करना है कोप्स एंड इंस्टॉल क्यूब CTL। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, नाउ आई एम लॉग इन विद कंट्रोलर नोड। ऐसा जरूरी नहीं है कि कल क्लास ही लो, अगर आपको कल पहले क्लस्टर बनाना है तो आप पहले क्लस्टर बना सकते हो। तो SUDO sudo host name is
controller controller and od node and su hyphen su sudo su hyphen and yum update hyphen y. सबसे पहले मैंने yum repository को अपडेट करा. आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप यहाँ पे जाइए गूगल पे लिखे लाइक इंस्टॉल कोप्स इन ईसी टू. तो यहाँ पर आपकी कुबरनेट्स की ऑफिशियल साइट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना. और यहाँ पर आपके पास इंस्टॉलेशन की जो कमांड्स हैं वो आपके पास यहाँ पर ये मिल जाएंगी. ये जो कमांड्स हैं ये कोप्स को इंस्टॉल करने की कमांड्स है, ऐसे क्यूब सीटीएल्स को पांच छह कमांड्स है. बट मैंने क्या करा हुआ है, मैंने अलग से जैसे मैंने आपको जेंकिन की फाइल बनाई है वैसे मैंने कुबरनेट्स की भी सारी की सारी स्टेप्स की फाइल बना के रखी हुई है. तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ लाइक डेटा, तो ये कुबरनेट इंस्टॉलेशन इन ईसी टू है. तो यहाँ पर सारी की सारी स्टेप्स मैंने लिखी हुई है सीक्वेंस में. अरे मैं नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ, ये विजुअल स्टूडियो में ओपन हो गया है. राइट क्लिक ओपन विद नोटपैड. तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लॉन्च लिनक्स ईसी टू करा, उसके बाद ये आईएम रोल्स बनाए, आईएम रोल्स को परमिशन दे दी स्टेप नंबर टू में, आईएम रोल हो गया. देन उसके बाद क्रिएट एस थ्री बकेट मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने रूट 53 भी यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया है. क्लियर. अब मैं यहाँ पे क्या आ रहा हूँ, मैं सिंपल सा आ रहा हूँ कि मुझे कोप्स इंस्टॉल करना है. तो मैंने यहाँ से क्या करा, ये जो तीन कमांड्स हैं इनको कॉपी करा एंड कम टू दिस मशीन एंड पेस्ट देन इंटर. ये मेरा कोप्स इंस्टॉल हो गया. या आप यहाँ से भी कमांड्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सेम ही कमांड से. मैंने यहाँ से ही कमांड्स को, ये जो लंबी लंबी कमांड्स है ना, यहीं से लेके ही ये वाली कमांड मैंने करी हुई है. एंड आपको क्यूब सीटीएल करना है, सो लाइक कॉपी करा यहां से कंट्रोल सी एंड पेस्ट इंटर. तो यहां पर ये दोनों की दोनों चीज मैंने क्या कर दी, इंस्टॉल कर दिया है. अब स्टार्टिंग से देखिए, ईसी टू इंस्टेंस बन गया, क्रिएट आईएम रोल्स भी क्रिएट कर लिया, कोप्स इंस्टॉल हो गया, क्यूब सीटीएल भी इंस्टॉल हो गया, क्रिएट एस थ्री बकेट, बकेट भी हमारी ऑलरेडी क्रिएट है एक्सीडी क्लस्टर के लिए, रूट 53 भी क्या है हमारा क्रिएट है. अब मुझे क्या करना है, वेरिएबल सेट करने हैं, यानी कि मुझे कंट्रोलर नोड को बताना पड़ेगा कि मेरा क्लस्टर किस नाम से बनेगा और मेरा एपीआई सर्वर यानी कि जो एक्सीडी क्लस्टर है वो कहां पर सेव होगा. तो उसके लिए मुझे इस वाली फाइल के अंदर जाके वेरिएबल्स अपडेट करने पड़ेंगे. तो आई एम जस्ट गो टू द वी आई बेस सीआरसी आई फोर इंसर्ट और मैं एंड में आकर यहां पर आके मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास देखिए यहां पर कोप्स क्लस्टर नेम. तो मैंने क्लस्टर नेम जो दिया है वो दिया है आईसीसीपी इन्फो. तो मैं जो क्लस्टर बनाना चाहता हूं आईसीसीपी इन्फो के नाम से बनाना चाहता हूं. तो क्लस्टर किस नाम से बनाना चाहता हूं और क्लस्टर कहां पर है बकेट के अंदर, तो वो जो बकेट है वो किस नाम से है, आईसीसीपी इन्फो के नाम से ही मेरी क्या है बकेट भी है. और नीचे क्लस्टर में किस नाम से बना रहा हूं आईसीसीपी इन्फो, तो ये अगली कमांड होगी आपकी. तो मैं यहाँ पे भी क्लस्टर नेम को आईसीसीपी इन्फो डॉट कॉम. क्लियर. तो आईसीसीपी इन्फो डॉट कॉम ऊपर है, आईसीसीपी इन्फो डॉट कॉम ही मैंने क्लस्टर का नाम से, यानी कि जो आपका रूट 53 का नाम है वही यहाँ पर रखा है और वही मैंने क्या रखा है यहाँ पर रखा. और बकेट का नाम क्या है आईसीसीपी इन्फो. मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा वेरिएबल्स को,
क्योंकि अगर आपको ये वेरिएबल्स नहीं मिले तो भी आपके एरर्स आएंगे, यानी कि वो लोकेशन पूछेगा कहाँ से कहाँ पर आपको कॉल करनी है, अदरवाइज वो इस वाली कमांड को एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। देन कम टू हेयर एंड पेस्ट, यहाँ पर दोनों चीज कर दी, स्टोरेज की लोकेशन भी दे दी और मैंने क्लस्टर का नेम भी दे दिया। नहीं नहीं ये लिखा हुआ आएगा पहले, स्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू। उसके बाद इस फाइल को मुझे अपडेट भी करना है, तो यहाँ पर आ रहा है सोर्स बेस आर सी, ये वाली कमांड भी आपको बाद में एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी तभी ये रिफ्लेक्ट करेंगे वेरिएबल, अदरवाइज। तो यहाँ पे लिख रखा है देन रनिंग कमांड टू रिफ्लेक्ट द वेरिएबल एट टू डॉट बेस आर सी। अब इसके बाद क्या है कि क्लस्टर्स के जो सर्वर्स बनेंगे तो उन सर्वर्स पे काम करने के लिए वो SSH ऑथेंटिकेशन मांगेंगे, तो मुझे यहाँ पर की भी जनरेट करनी पड़ेगी और वो ऑटोमेटिकली जब क्लस्टर बनाएगा कंट्रोलर नोड तो उन कीज को वहां पर कॉपी कर देगा, जो हमने अनसीबल में मैनुअली क्या करी थी, कीज को कॉपी करा था ना, यहाँ पर कुबरनेट्स क्या करेगा ऑटोमेटिकली कीज को कॉपी कर देगा। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 9 है SSH की, यहाँ पर मेरे को की जनरेट करनी है, कॉपी एंड पेस्ट, इंटर इंटर इंटर, और यहाँ पर ये की भी मेरी क्या हो गई, जनरेट हो गई। अब की जनरेट होने के बाद, ये सारा काम होने के बाद मैं क्लस्टर क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए कमांड क्या है, कोप्स क्रिएट क्लस्टर, क्लस्टर नेम हाइफन हाइफन डॉट कॉम हाइफन हाइफन जॉन। तो अब जॉन कौन सा है मेरा, एपी साउथ 1A, लेकिन मैं कौन से रीजन में काम कर रहा हूँ, लंदन के अंदर काम कर रहा हूँ, तो एक मिनट इसी टू पे आ जाते हैं इंस्टेंसेस, और यहाँ पे है ईयू वेस्ट 2A, तो मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं, ईयू वेस्ट हाइफन 2A, तो एपी साउथ 1A की जगह है हाइफन हाइफन डीएनएस, मेरा कौन सा है प्राइवेट है, हाइफन हाइफन नोड, मैं कितने नोड लेना चाहता हूं, दो, और उन नोड का साइज क्या रख रहा हूं, टी टू डॉट दिया, हाइफन हाइफन मास्टर नोड कितना बनाना चाहता हूं, एक, और मास्टर नोड का साइज क्या रख रहा हूं, टी टू डॉट, और हाइफन हाइफन क्लाउड, कौन सा क्लाउड, AWS क्लाउड पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं। नाउ कॉपी दिस कमांड, कंट्रोल सी, अभी भी कोई चीज मिस रह गई होगी ना तो बनेगा नहीं, फिर ये सारी चीज ट्रबल शूट करते रहो। तो गाइस जैसे मैं यहां पर ये कॉपी करा है मैंने, तो अब ये क्या कर रहा है, कॉपी करने के बाद ये मेरी ये सारी चीजों को अभी चेक करेगा, अभी क्लस्टर नहीं बनाएगा, ये सारी चीजों को चेक कर रहा है, ये सारी चीजें बनाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका डोमेन चेक करेगा, ये यहाँ पर VPC भी बनाएगा, उसका DHCP भी बनाएगा, ये यहाँ पे VPC इस IP के /16 पे बनाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सिक्योरिटी ग्रुप सबनेट सारी की सारी चीजें अपने आप ये इतनी सारी चीजों को क्रिएट करेगा। देन उसके बाद वो यहाँ पे लास्ट में क्या लिख के दे रहा है आपके पास, वो कह रहा है कि आपकी ये तो है मास्टर फाइल और ये आपकी वर्कर फाइल्स, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो कि ये चीजें बन के आएंगी। अब मैं क्या करता हूँ आखिरी में, आपको क्या है, फाइनली कॉन्फ़िगर योर क्लस्टर विद दिस कमांड, आपको ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे लाया कोप अपडेट क्लस्टर हाइफन हाइफन नेम, नेम ऑफ द क्लस्टर अपने आप ले लिया उसने, यस और एडमिन और इंटर, अब ये यहाँ पर क्लस्टर बनाना स्टार्ट करेगा। अब ये क्या करेगा, बैकएंड में VPC बनाएगा, सिक्योरिटी ग्रुप बनाएगा, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, मास्टर नोड, वर्कर नोड्स, ठीक है ना, XCD क्लस्टर बकेट्स के अंदर ये सारी की सारी चीजें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखा आ जाएगा इस टेक अप टू 10 मिनट्स, जिसके लिए कम से कम यहाँ पर 10 मिनट का टाइम लेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कोप्स वैलिडेट क्लस्टर अप टू 10 मिनट्स, यानी कि वेट फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट तक हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब इन 10 मिनट के अंदर वो क्या क्या काम करेगा, अब ये देखिए हम ये EC2 पर हैं, कंट्रोलर नोड मैंने बनाया था, नाउ रिफ्रेश करता हूं मैं यहाँ पर,
कंट्रोल प्लेन जो आ रहा है ये आपका मास्टर नोड होता है, प्लेन के नाम से जो प्लेन के नाम से आ रहा है ये आपका मास्टर नोड, और यहाँ पे भी लिखा भी आ रहा है मास्टर, और बाकी जो है वो दोनों क्या है नोड के नाम से आ रहे हैं ये आपके वर्कर नोड है, और मैंने वही दिया था। और कौन सा हार्डवेयर यूज हो रहा है यहाँ पर, T2.medium। अब आप इसके सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाइए, यहाँ पर ऑटोमेटिकली मास्टर और वर्कर नोड के नाम से इसने सिक्योरिटी ग्रुप भी एग्जीक्यूट कर दिए, ये रहा नोड सिक्योरिटी ग्रुप। और यानी कि अगर आप मास्टर नोड पे कोई भी टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हो और उसके अंदर कस्टमाइजेशन प्रोटोकॉल्स को अलाउड कर रहे हैं तो वो इन दोनों सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी अलाउड होने चाहिए। अब आप ये मत सोचना कि आप कंट्रोलर नोड पर बैठे हो तो उसके सिक्योरिटी ग्रुप से जाएगा, नहीं, आप काम कहाँ पे कर रहे हो, मास्टर नोड और वर्कर नोड पे, तो उसके हिसाब से यहाँ से भी प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए, अलाउड आपके होने चाहिए। तो आप काम करने से पहले इन दोनों सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाके IPv4 और 6 को ऑल ट्रैफिक कर देना, तो आपका कोई एरर नहीं आएगा। अगर आपने ऑल ट्रैफिक नहीं करा तो आपका एक भी सिंगल टास्क एग्जीक्यूट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑल ट्रैफिक इज डिनाई होता है। देन ऑटो स्केलिंग, तो यहाँ पे देखिए ऑटो स्केलिंग भी उसने अपने आप बना दिया कि अगर कोई भी नोड फेल्ड होता है तो यहाँ पे देखिए मास्टर और उसका ऑटो स्केलिंग भी उसने एग्जीक्यूट कर दिया कि अगर आप वहां से सर्वर्स को डिलीट भी करोगे ना तो वो सर्वर्स को दोबारा से क्लस्टर के अंदर बना देगा। तो यहाँ पर आपको ये लैब करनी है, तो आप अपने कंट्रोलर मैनेजर को डिलीट मत करना, उसको स्टॉप करके रख देना, बेसिक क्लस्टर को डिलीट कर देना, बाद में विद इन 10 मिनट्स में वो दोबारा से रेडी हो जाएगा। अब क्लस्टर की जो लोकेशन है वो कहाँ जानी थी, S3 स्टोरेज के अंदर, हमने एक S3 स्टोरेज बनाया था, इफ यू रिमेम्बर गाइस, Amazon S3 के अंदर एक बकेट बनाई थी हमने, किस नाम से, ICCP info, इसके अंदर देखो क्लस्टर बन चुका होगा, ये आ गया ICCP.com, और इसके अंदर वो बताएगा कि क्या क्या चीज बना रहा है, तो बता रहा है कि भाई ये मेरी क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन है, ये बैकअप यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर नोड की इन्फॉर्मेशन भी आएगी, इंस्टेंस ग्रुप कोप्स वर्जन, ये सारी की सारी आपके क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ पर सेव करेगा। यानी कि अगर आपने ये स्टोरेज डिलीट कर दिया तो भी आपका क्लस्टर नहीं बनेगा, क्योंकि XCD क्लस्टर सारी इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर सेव कर रहा है, यहाँ पर सेव हो रही है, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इसी स्टोरेज के अंदर सेव होगी क्लस्टर, क्योंकि अगर क्लस्टर फेल्ड होता है तो दोबारा से वो सारी इन्फॉर्मेशन फेच कर लेगा इसे, तो सारी अपडेट्स यहाँ पर आके सेव है। अगर आपने वहां पर 10 सर्वर बना दिए तो यहाँ पर भी आपको 10 के 10 सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन अब आप रूट 53 पे जा रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर रूट 53 पर ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, वहां पर इनके रूट्स भी बना देगा। यानी कि अगर मैं EC2 पर वापस आता हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स जो हैं 4 हैं, तो यहाँ पर हर मशीन का आप IP देखिए, ये आपका लाइक मैं एक कंट्रोल प्लेन का IP देख लेता हूँ, इसका जो पब्लिक IP है वो 35.178.161 है और प्राइवेट IP 214 है। आप रूट 53 यानी कि आप यहाँ पर VPC के अंदर जाइए तो यहाँ पर ये अलग से एक VPC भी क्रिएट कर चुका है, ठीक है ना, और अपना रूट 53 भी कर चुका है। तो पहले मैं आ जाता हूँ रूट 53 यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर इसने इसके रिकॉर्ड क्रिएट कर दिए होंगे, ये देखिए ये यहाँ पर आपका क्लस्टर IP दे दिया और यहाँ पर ये सारे के सारे सिस्टम्स को मैप करा देगा। तो अभी ये क्लस्टर IP की जगह, जब आपका क्लस्टर रेडी हो जाएगा तो आपके सर्वर्स के जो प्राइवेट IPs हैं वो यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाएंगे पब्लिक की जगह। तो यहाँ पर रूट 53 के रिकॉर्ड, इवन यहाँ पर उसने VPC भी देखिए, मैंने लंदन लोकेशन पे कोई VPC क्रिएट नहीं करा था, यहाँ पर ICCP.com के नाम से उसने ऑटोमेटिकली एक VPC भी क्रिएट कर दिया है, और VPC के साथ सबनेट्स, रूट टेबल्स, सारी चीज अपने आप बना दिए यहाँ पर, EU-ICCP.com, उसका रूट टेबल, उसकी सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। अब मर्जी आप क्या मैनुअल क्रिएट करते हो, ऑटो क्रिएट करते हो, क्या ये क्लस्टर बनाना है ना, कंट्रोलर नोड बना रहा है, ये सारा ऑटोमेशन है। क्लस्टर कभी भी बनाएंगे तो मैनुअल नहीं बनाना, कुछ भी चीज फेल्ड होगी वो अपने आप बनाएगा, क्लस्टर इसीलिए बनाया जाता है, हाई एबिलिटी इंफ्रा का मतलब ही यही है। कुछ भी चीज डिलीट होगी यहाँ से, तुम इसको डिलीट करोगे तो ये हैगा नहीं, क्यों, क्योंकि जब तक मास्टर नोड और वर्कर नोड बने हुए हैं। अब आप मास्टर नोड को डिलीट करेंगे तो क्लस्टर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको दोबारा से बनाता रहेगा, कब तक, जब तक ऑटो स्केलिंग डिलीट नहीं होगी, सब आपस में इंटरकनेक्ट है, ये
इसमें से आप एक भी चीज अगर मैनुअली डिलीट करने जाओगे तो वो होगी नहीं, अगर मैनुअली डिलीट कर दे वो उस पे होगी जाएगा। नहीं ना, क्योंकि वीपीसी जब तक डिलीट नहीं होगा जब तक उसके साथ रिसोर्स अटैच्ड है। अब आप क्या है, मास्टर नोड डिलीट करोगे, वर्कर नोड डिलीट करोगे, बट ऑटो स्केलिंग इनेबल्ड है, वो दोबारा से नए सर्वर और विद इन 30 सेकेंड्स बना देगा। अभी करूंगा भाई, टेंशन क्यों ले रहा है, अभी बनने तो दे, अभी ये तो आगे बचा है, अभी प्रैक्टिकल खत्म कहाँ हुआ, अभी इंस्टॉलेशन हुई कहाँ है पूरी तो क्या है? क्योंकि बाद में सीन आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी, कोप्स वैलिडेट क्लस्टर, क्योंकि जब तक आपको वो सारे सर्वर्स यहां पर नहीं दिखाएगा, जब तक आप बस सोचना कि आपका क्लस्टर रेडी हो चुका है। तो कोप्स के थ्रू ही आपका क्लस्टर डिलीट होगा और कोप्स के थ्रू ही आपका होगा। तो आप यहाँ पे मैंने नीचे कमांड्स लिखी भी हुई है नोट पैड के अंदर गाइस, कि ये भी आपका क्लस्टर, इस तरीके से भी आप कमांड लिख सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से नहीं लिखी हुई तो मैं ये वाला पैटर्न हटा देता हूं। ग्रुप अब वीडियो दे तो दी, इससे कर लेना। सो के कोप्स अपडेट क्लस्टर हाइफन हाइफन यस, उसके बाद आपका ADMIN एडमिन भी लिखना, पहले नहीं चलता था। और कोप्स वैलिडेट क्लस्टर कमांड चलानी है, और अगर आपको डिलीट करना है तो कोप्स डिलीट क्लस्टर और क्लस्टर का नेम देके हाइफन हाइफन यस, तो ये तीन कमांड है। उसके बाद अभी नीचे ये सारा काम हम फिर आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर भी आपको स्क्रिप्टिंग वगैरह और बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर, टेंशन मत लो, मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चे गायब हो जाएंगे कुबरनेटिस में। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ गाइस, आप यहाँ पर एक वीडियो, मैं मतलब कि मेरी प्लेलिस्ट है कुबरनेट्स के नाम से, और वहां पर जो मैंने वीडियो ऐड करी हुई है कुबरनेट्स, ये रही, ये दो वीडियोस कुबरनेट जुलाई की, ये वीडियोस आप एक बार देख लेना। तो यहाँ पर यही है, व्हाट इज कुबरनेट एंड हाउ टू इंस्टॉल एंड क्रिएट कुबरनेट क्लस्टर। तो व्हाट इज कुबरनेट के अंदर 1.5 घंटे का लेक्चर है, ठीक है, तो जिसमें मैंने आपको और भी डिफरेंट तरीके से यहाँ पर चीजों को एक एक करके एक्सप्लेन करा है कि कुबरनेट्स है क्या, किस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट होती हैं, कब आया है, क्या आया है, मतलब थोड़ी सी और डिटेल थ्योरी आपको मिल जाएगी। फिर वही सारी चीजें मैंने बताई हैं, API सर्वर कंट्रोलर नोड शेड्यूलर XCD क्यूब प्रॉक्सी क्यूबलेट डॉकर किसका कहाँ पर यूज होता है। देन इसी के अंदर मैंने इंस्टॉलेशन भी बताई हुई है, ऐसा नहीं है कि इंस्टॉलेशन नहीं बताई है, बट यहाँ पर भी थोड़ा API सर्वर और इनके बारे में थोड़ा सा और है। फिर यहाँ पर मैंने इंस्टॉलेशन भी इसी के अंदर मैंने ये बनवाई है। तो यहाँ पे मोबाइल एक्सट्रीम सॉफ्टवेयर मैंने यूज करा है, ठीक है, यानी कि तो मेरे से तुम ही कल पूछ रहे थे, तो यहाँ पर मैंने पुट्टी यूज ना करके मोबाइल एक्सट्रीम या पुट्टी पे करा है, बट अब जो मैंने आपको कराया है वो मोबाइल एक्सट्रीम कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करा है, वो डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट से। तो ये लेक्चर भी मैं ऐड करूंगा एंड हाउ टू इंस्टॉल और क्रिएट अ क्लस्टर जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो ये दोनों वीडियो अगर आप चाहते हैं तो ये भी दो एड ऑन कर दूंगा मैं, और जो आपकी आज की वीडियो ये भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं, मैं सिर्फ ये व्हाट इज कुबरनेट और आपकी वाली जो वीडियो है ये दो वीडियोस में अपलोड करूंगा, एक पुरानी होगी और एक नई वीडियो होगी। क्लियर गाइस, नाउ इसको सेव कर देता हूं, और इसको सेव करने के बाद अभी यार क्लस्टर, तो गाइस जब आपका क्लस्टर बन जाएगा तो आपको क्या करना है, कोप्स वैलिडेट क्लस्टर ये वाली कमांड को कॉपी करना है, पेस्ट करके इंटर मारोगे तो ये आपको यहाँ पर तीनों सर्वर दिखाएगा, नोड दो नोड है, एक C15 है, एक 81C है, और जो कंट्रोल प्लान है वो BEA के नाम से है। अब अगर मैं यहाँ से कोई भी सर्वर को टर्मिनेट करता हूँ, लाइक मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं अपने एक नोड को डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल मैनेजर को करते हैं कंट्रोल मैनेजर को क्यों करेगा, ये तो फिर भी चलते रहेंगे, कंट्रोल मैनेजर दोबारा बनाओ और वहां पर मास्टर एक्सेस कर लो। अब कंट्रोल मैनेजर बनाइए, दोबारा से मास्टर एक्सेस करिए और ये नोड को टर्मिनेट कनेक्ट करना पड़ेगा सर। पीछे, ये मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है, देख ले, अब बातों में लग रहा है, ये यहाँ डिलीट कर दिया मैंने,
क्योंकि ऑटो स्केलिंग हो रखी है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर मेरे नोड्स को, क्लस्टर्स को एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे ये नोड मैंने एक डिलीट करा है, इफ यू रिमेम्बर कहाँ गया डिलीट वाला, तो कैंसिल ये यहाँ पे सेटिंग डाउन हो रहा है। और जैसे सेटिंग डाउन कर रहा है, अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर तीन नोड ट्रू दिखा रहे हैं, रेडी दिखा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो अब यहाँ पर वो दिखा रहा है क्या, एक ही नोड है और ये दो आ रहा है, एक डाउन हो गया है, रेडी ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने हैं, दो हैं, यानी कि कौन से वाला नोड चला गया, मैं ऊपर दिखाता हूँ, C15 वाला नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो C15 की जगह अब जो नया नोड आएगा ना, वो यहाँ पर आपको शो करेगा। तो ऑटो स्केलिंग बैकेंड में ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हुई है, इससे पहले हम मैनुअल कॉन्फ़िगर करते थे सारी चीजें, क्लाउड जब हमने पढ़ा था। तो इसी टू पे आते हैं और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए दूसरा सर्वर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया होगा। आ जा भाई, पूरा रास्ता। आएगा आएगा। अब जब तक ये सर्वर डिलीट हुआ है, तो अब आपके पास एक ही वर्कर नोड है। मास्टर नोड क्या करेगा, जो वर्कर नोड फेल हुआ है उसका सारा लोड दूसरे वर्कर नोड पर भेज देगा, और जैसे नया वर्कर नोड आएगा फिर से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उसका जो डाटा वगैरह होगा वो सब हो जाएगा, कुछ नहीं हो कुछ रहेगा, नहीं होगा। कुछ भी नहीं हो रहेगा, क्योंकि हम उनके भी कहेंगे, जब हम पॉट्स बनाएंगे तो हम चाहेंगे आधे पॉट्स इस पर बने, आधे पॉट्स दूसरे पर बने, रिफ्रेश कर डिस्ट्रीब्यूट। दूँ। और डेटा पॉट पे नहीं होता, उसके लिए आप जब डेटा बनते हो तो स्टोरेज कनेक्ट करते हो, कि डेटा तो स्टोरेज पे जाके सेव होगा ना, पॉट से सिर्फ एप्लीकेशन रन हो रही है। भाई आपका मोबाइल है लेकिन डेटा तो आप गूगल ड्राइव पे हो, मोबाइल खो गया तो क्या डेटा उड़ जाएगा, आपने लोकेशन डेटा की चेंज करी हुई है ना। रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये नोड आ गया 612 के नाम से, क्लियर। और आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी ये शायद एक्टिव होगा तभी शो करेगा, तो अभी नहीं आ रहा, जब वो एक्टिव कंडीशन में आएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब गाइस जब तक ये ऑन रहेगा, जब तक आपका बिल चालू रहेगा, तो अब आपको क्लस्टर डिलीट करना है, तो या तो ये सारी चीजें मैनुअली जाके डिलीट करो, जो तुम्हारे बस की तो है नहीं। तो सिंपल सा है, एक सिंगल कमांड एड ऑन करना, कोप्स डिलीट क्लस्टर, और जब नेक्स्ट टाइम आओ तो ये क्रिएट क्लस्टर वाली कमांड को एड ऑन कर देना। तो कहाँ पे है कमांड, कोप्स डिलीट क्लस्टर, कॉपी कोप्स डिलीट क्लस्टर हाइफन हाइफन यस। अब वीपीसी सारी चीजें अपने आप डिलीट हो जाएंगी, ऑटो स्केलिंग वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें बनी है वो सब। अब नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो क्या करना है, कंट्रोलर नोड ऑन करना है और एरो की से क्रिएट क्लस्टर वाली कमांड निकाल लेनी है और इंटर मार देना है, वो 10 मिनट में आपका क्लस्टर दोबारा से क्रिएट कर देगा। चलिए गाइस थैंक यू, इनफ इतना, या कंटिन्यू करें अभी, प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो। इनफ है सर, इतना।